क्या भैया, अमेरिका का इंदौरीकरण हो रहा है उस यात्रा के ये दूसरे पड़ाव पे अपन है नायगरा फॉल्स, नायगरा जलप्रपात, कनाडा के साइड की तरफ अपन खड़े हुए हैं। ये देखो साहब, आपका यहाँ का बेहतरीन दृश्य, ये पूरा जलप्रपात। देखा कैसा मन ही नहीं भरता यार, मन ही नहीं भरता, यहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं होती। मैंने कहा यार कहीं जाना ही नहीं अपने को, तो वाइफ गई है उसको, उसने बोला भूख लग रही है, जा तू खा, कुछ शॉपिंग करनी है, ये करनी। मैंने कहा अपने को नहीं, अपन तो यार जरूर देखते हैं यार, क्या बहुत आनंद है यार, बहुत आनंद है। और दो चीज सबसे खास करने की यहाँ पे, सबसे पहले तो एक होती है मेड ऑफ द मिस्ट, वो होती है नाव में आपको नीली बरसाती पहना देते हैं। वो देखो आपको नाव दिख रही ना, ये वो नाव दोनों तरफ से चलती है, एक एक सर्विस है, एक कनाडा अमेरिका की तरफ, एक कनाडा की तरफ। अगर आप अमेरिका के वीजा पे आए हो, या आपके पास ग्रीन कार्ड है, सिटीजनशिप नहीं है, और आप H1 वीजा पे हो, F1 स्टूडेंट वीजा पे हो, तो आप अमेरिका में रहे हो। सामने बिल्कुल सामने वो अमेरिका, ये कनाडा, वो अमेरिका, ये कनाडा। और तो अमेरिका का तरफ का दृश्य वो वाला, वो जो खास वो जलप्रपात वो दिख रहा है ना, वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन अभी इसके आगे छोटा लग रहा है ना, ये इसके आगे, ये उधर पूरा अमेरिका से आता है और ये कनाडा की बॉर्डर। तो ये क्या है, घोड़े घोड़े की नाल तरीका बना हुआ, उसको बोलते हैं ऐसा हॉर्सशू फॉल। तो ये घोड़े की नाल का पूरा जो फॉल है ऐसा ऐसा, तो वो अपने को पूरा कनाडा आके दिखता है। तो अब आपके अपने पास सिटीजनशिप है, अपना बहुत साल होगा यार, नहीं आपके पास कनाडा का वीजा हो, तो आप यहाँ से देखो, यहाँ के बात ही अलग रहती है, और वहाँ का है तो वहाँ से भी कोई बुरी बात नहीं है। आप वो मेड ऑफ द मिस्ट कर लो, वो नाव जा रही है ना, ये नाव, तो वो कर लो, वो नीली बरसाती देते हैं, 300-400 मनक बैठते हैं, 2 मंजिल की है, $16 लगते हैं, आप आओ, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया काम है। और दूसरा होता है केव ऑफ द विंड्स, केव ऑफ द विंड्स मैंने क्या है, वो जो अमेरिका वाला फाल दिख रहा है ना, वो वहाँ पे आपको पीली बरसाती देते हैं, उसमें $11 लगते हैं बड़े के और $8 छोटे के, छोटा मतलब 6 से 12 साल का छोटा, वो बराबर नापते हैं मजा। तो आप उसमें चीटिंग वीटिंग मत करना है कि भैया हमारी 14 साल की चोरी है, उसको 12 का बोल के घुसा दो। तो वो पीली बरसाती लेके वो आप है ना, वो झरने के नीचे जा सकते हो, और वैसे अपन वो जाते कि नहीं वहाँ पाताल पानी और वहाँ पे, और वो झरने के नीचे जाओ, लेकिन ऐसा बेहतरीन वाला झरना, और उनने पूरा ऐसा स्टेज बना रखा लाल कलर का, लाल भम बहुत बढ़िया, और उसमें जाओ और वहाँ पर पानी पड़ो, पानी धार 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 पड़ो, आपको जितने मिनट खड़े थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन अरे वो जब आते हैं ना उसके आनंद, तो भैया वो ठंड वंड अपन भूल जाते हैं, और वो बहुत बहुत बढ़िया वाले आनंद है यार। और फिर यहाँ पे कनाडा की तरफ आओ, कनाडा की वो जो ब्रिज दिख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं रेनबो ब्रिज, वो रेनबो सरीका है ना, और वो कनाडा और उसको जोड़ते हैं। आप पैदल भी आ सकते हो, आपके पास पासपोर्ट हो, वीजा हो, तो नहीं तो आप कार में आ जाओ, $3.25 उसके लगते हैं। और यहाँ पे आ जाओ, हम चलते हुए आए, और ये सबसे बढ़िया दृश्य, ये देखो ना, पब्लिक आई हुई है, खूब पब्लिक आई है, और आज तो बुधवार का दिन है, थोड़ी इतनी पब्लिक है, दोपहर की अभी 1 बज रही है, ये देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फुहार जब हवा इधर चलती है ना, तो पूरे झरने की वो पूरी फुहार इधर आती हो, तो पब्लिक गीली हो जाती है, तो जो हल्के मध्य लोग रहते हैं वो तो बरसाती पहन लेते हैं, ये तक सफेद और पीले, वो बरसाती पहन के घूम रहे हैं, वो छतरी लेके चल रही है मैडम। लेकिन अपन लोग क्या है, अपन तो इंदौरी आदमी है, अपन तो गन्ना लेके चलते हैं यार, इसकी 12 बजे ये अपना जो है ना, ये गन्ना, और जरा सा भी कुछ हुआ तो ये अपन ने पोछा, ये अपने सब काम होगा, कांच में इसमें लग गया तो इसको पोछ लिया, इसको पोछ लिया, फिर अपना गन्ना अपना काम का यार, बहुत बढ़िया। अब इंदौरीकरण करना है तो गन्ना तो लेके चलना पड़ेगा ना, एक ही नहीं है, कैसा जम रहा है टामी हिल्फिगर की जैकेट में, ये गन्ना, ये कोई लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल फ्रेंच, वो फ्रेंच आते हैं स्कार्फ, और ये होम मेड स्कार्फ, ये हैंड नेट, अपना देखो ना यार, अपना $7-8 का गन्ना उसमें। और दूसरी चीज सेव परमल, वो वाइफ है जो भी उनको खाने, वो $15-20-25 बोर्ड करेगी, अरे अपने ये अपना अपना सबसे सात्विक भोजन, ये वाटरफॉल पे, और क्या इससे बढ़िया क्या लोग है यार। और इस बार वाइफ के कारण रहना भी अपना अच्छी जगह हो गया यार, नहीं तो अपन तो हल्के पतले काम में रहते हैं, इंदौरी आदमी है, वाइफ ने बोला कहाँ लेके कहाँ जाओगे, इतना कमा रहा हो तुम, तो ये ऊपर वो देखो ऐसी वो होटलें दिख रही ना बड़ी बड़ी, तो सबसे ऊंची होटल है वो एम्बेसी स्वीट, एम्बेसी स्वीट वो दिख रही है उस बिल्डिंग के पीछे,
उसको 48वीं 42 मंजिल की होटल है, 38वीं मंजिल पे रुके हुए, वैसा दृश्य वहाँ का बिल्कुल ये का यही दृश्य ये दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल यही दृश्य 38वीं मंजिल, और वैसे आनंद आ रहा है यार, खर्चा ज़्यादा हो गया। तो अब मैंने वाइफ को बोला अपन 2-3 दिन नहीं खाएंगे, बाहर नहीं खाएंगे, अपने सेव परमल और जो भी है पानी पी के, ये पानी की 2 बोतलें रख ली अपन ने, पानी की 2 बोतलें, और इसमें काम चल रहा है। लेकिन यार मज़ा आ गया, और मतलब ऐसे वाले मजे आए ना, इसके हल्ला हो रहा है ना तो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप बस आ जाओ, बस आ जाओ, बस बस यही विनती है यार, आओ।